अशोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपके इसलिए आऊंगा कि उत्तर प्रदेश हो रहा, पहले मैं दिनेश कुंवर साहब का स्वागत करूंगा। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ गए दिनेश सर। शानदार बातें होती हैं उनकी ओर से भी, शानदार और बेबाक टिप्पणियां आपकी भी होती हैं, स्वागत आपका। तो दिनेश सर, जो यूपी है, सत्ता का जो गलियारा हम कहते थे, और सत्ता के गलियारे में यदि सेंध लगाने में सफलता मिली है इंडिया अलायंस को, उसमें बेशक जो कौशल रहा वो रहा कहीं अखिलेश यादव, लेकिन साथ साथ कांग्रेस का जो साथ मिला, और उसके ये किताब अलावा रखो इसके लिए। प्रियंका गांधी का जो अंदाज, या जो एक पूरा का पूरा उन्होंने इसमें मैच्योरिटी की, जो अभी अनिल सर बात कर रहे थे, तो ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी, और ये एक और एक 11 और वायनेड उनको भेजा जाना, सब पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अशोक सर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी अनिल जी को बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सदे हुए बैलेंस्ड आदमी है दिनेश जी, मनीषा जी और सब लोगों को मेरा सबसे पहले नमस्कार। मैं प्रियंका गांधी की एंट्रेंस को बहुत, जिसे मौजूद सियासत कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं बेबाक अगर होके कहूँ तो वो जो होता है ना कि नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। क्या बात है, प्रियंका गांधी ने जो नरेंद्र मोदी को जवाब दिए थे वो ऐतिहासिक जवाब दिए, और मंगलसूत्र का जवाब उनके मुंह से अच्छा लगा, बिल्कुल मुजरे का जवाब उनके मुंह से अच्छा लगा। जो महिला की गरिमा होती है, वो जो इश्यूज थे, वो उन्हीं को जवाब देना चाहिए था। और मुझे खुशी है, मैं अनिल जी की इस बात से 100% इत्तफाक करता हूं कि उन्होंने इतने इमोशनल इश्यूज उठाए हैं। और ये भी बात मैं साफ सफाई के तौर पर कहना चाहता हूं, महिला जब इमोशनल इश्यूज उठाती हैं, हमने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहुत बहुत बड़ी स्पीकर्स देखी हैं, मिसेस गांधी से लेकर सबका नाम, तारकेश्वरी सिन्हा से लेकर बहुत लोग हैं, नाम लेंगे तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, सुषमा स्वराज जी भी हैं। उन प्रियंका गांधी का सिलेक्शन बहुत वाइज सिलेक्शन है, और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं उसको ऐसे भी कहना चाहूं कि आंख शीशे की तो पत्थर का जिगर रखते हैं, हाँ, आंख शीशे की तो शीशे पत्थर की की चीज। तो पत्थर का जी जिगर जी रखते हैं, हम जमाने में अलग फिक्र और नजर रखते हैं, कुछ लोग क्या बड़े बात, शौक से ताकत के परश्तार बने, हम तो ताकत से बगावत का हुनर रखते हैं, जिसके पत्तों से दुआओं की हवा आती हो, घर के आंगन में हम ऐसा शजर रखते हैं, मैं उन्हीं पुरखों का वारिस हूं जो ये कहते थे, जान जाए कि रहे आन मगर रखते हैं, अगली नस्लों के लिए काम आए जो लोग, हम अपनी सियासत में ऐसा हुनर रखते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत तो उनका शानदार जी। सिलेक्शन बहुत वाजिब है, और उनकी तरीके से देखिए, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, अनिल सिन्हा साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, बहुत काबिलियत पर नहीं जाती है, इमोशन पर जाती है, बहुत टेक्निकलिटीज पे नहीं जाती है पब्लिक। हम लोग भी बिल्कुल गांव की पगडंडियों से सियासत, तो मैं तो पहले, मैंने बताया ना, पहले मैं तो पहले ही चुनाव मुलायम सिंह जी के खिलाफ लड़ा था, और उस फिर इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ, मिनिस्टर हुआ बीजेपी में, पब्लिक अटल वाजपेयी इमोशन बोलते थे पूरा, जी जो लोगों को, पब्लिक को इमोशनल बोलना आता है वो अचीव करते हैं। प्रियंका गांधी का सिलेक्शन, वायनाड का सिलेक्शन इस बात की भरपूर मिसाल करेगा, क्योंकि अभी नीट के सवाल उठ रहे हैं, अभी जी 25-24 लाख जो डॉक्टर्स का फ्यूचर अधर में डाल दिया है वो सवाल उठने हैं, पिछला व्यापम घोटाला उठना है, शेयर मार्केट का 31 लाख करोड़ उठना है, बाई इलेक्शन 10 में से सिर्फ एक सीट है गाजियाबाद की, जिसमें उत्तर प्रदेश में वो काबिज हो सकते हैं, वो उठना है, और एक एक शख्स बिना संविधान की ओथ लिए बाहर भी आप चले गए। आप माथे पे जरूर लगा रहे थे संविधान, लेकिन उसकी वैल्यू कहां है? बिना बहुमत का असेसमेंट करे, बिना बहुमत लिए हुए आप विदेश कैसे चले गए? तो एलन मस्क ने भी जो कहा है, इसमें एडिशन कर दूं, उन्होंने कहा है, उसने कुछ राय नहीं दी, उन्होंने कहा है कि ईवीएम मस्ट बी इरेज्ड इमीडिएटली, दे शुड फिनिश लाइक एनीथिंग। तो जी मैं तो इसी पे बात करूंगा, और कांग्रेस के लिए एक मौका है, वो की बहुत बहुत ब्राइट मौका है। आप बताओ, 240 हैं उनकी,
उनकी कम लग रही हैं और कांग्रेस की 99 ज्यादा लग रही हैं, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और बोल एक बात है कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक।